हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल फर डूइंग ग्रेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स फॉर एसएलएस पुणे थ्री इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको नहीं पता ए की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है ए का जो एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं वो लॉन्च हो चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल पर्सनली वहाँ पर जितने बच्चे आए हैं उनका ऐसे जो है वो चेक किया जा रहा है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए टेन मॉक टेस्ट हैं जिसके अंदर आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस होगी हर एक सेक्शन की ठीक है ना साइकोमेट्रिक नहीं कवर किया है बाकी सारे सेक्शंस हैं उसमें तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है देखिए ऐसे राइटिंग के लिए बुक नहीं चाहिए आपको चाहिए हमारा दैट इज लॉगरी का आपको चाहिए ए आई ए टी का जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये रुपी सिक्स थाउजेंड की यहाँ पर शो कर रहा है बट इसका अगर आपको कूपन कोड जानना है तो कॉमेंट डाउन बिलो मैं आपको कूपन कोड दे दूंगी एंड यू विल गेट अ गुड ऑफर ठीक है ना एंड इसको बाय कर लीजिए एंड सॉल्व करिए ठीक है ऐसे राइटिंग के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है करंट अफेयर्स मटीरियल अच्छे से कवर करना है उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल जिसपे सिक्स पी एम पे हर रोज हिंदू का एनालिसिस होता है प्लस नोट भी बनते हैं वो जरूर फॉलो करें ठीक है बैकलॉग के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स मटीरियल जो लॉगरी डॉट इन पर अवेलेबल है जिसके डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वो बाय करें एंड आपको करंट अफेयर्स ट्राई करना है ट्राई क्या इंपॉर्टेंट है कि जनवरी टू दिसंबर के करंट अफेयर्स जिस साल में पेपर है वो आप कवर करें फॉर एस

एमसीक्यूज जो है टेन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं फॉर ट्वेंटी मार्क्स रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज लीगल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी ये ट्वेंटी एम भी आ जाते हैं तो टेन टू ट्वेंटी एम आते हैं और वो कहाँ से होते हैं जनरल नॉलेज से लीगल रीजनिंग से और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से तो लीगल रीजनिंग के लिए जो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने रहते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ टॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है ना वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बेस्ट बुक है वो यूनिवर्सल्स की बुक है यहाँ से आपको थ्योरी करनी है और एम करने हैं इस बुक में से थ्योरी करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एम करने हैं और एक लीगल अवेयरनेस एम नाम का टॉपिक है वो भी सॉल्व करना रहेगा आपको इस बुक में से ठीक है तो यहाँ से ये करना है लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स आप लॉगरी डॉट कॉम पर जाओगे वहां पर लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स का पीडीएफ मिलेगा वो आपको डाउनलोड करके याद करना है ठीक है तो जो आपका क्रिमिनल लॉ टॉर्च और कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आपको विली की बुक में से करना है एल एन आर बाय विली की बुक में से करना है फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो विली में से प्रैक्टिस करेंगे एंड लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है मैंने एक बहुत ही ईजी बहुत ही अच्छी वीडियो करी हुई है वो देख लेना ठीक है लीगल जीके के क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स का जो टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ वो हो रहा है असर्शन रीजन जो है लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ोगे असर्शन रीजनिंग का टॉपिक जरूर देख लेना बाकी जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसको यूज करते हुए आप असर्शन रीजन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे सो दीज टू बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस लीगल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके के लिए आपको जोग्राफी बुक्स एंड ऑर्डर साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है अगेन आपको एमसीक्यूज लगाने हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से जितने दिए गए हैं और अगर थ्योरी पढ़ने का टाइम है तो वो भी आप पढ़ लेंगे कहां से Universal से यूनिवर्सल और फिर जीके जो है आपकी जो जनरल नॉलेज है ठीक है ना एमसीक्यूज भी आपके एजुगिरी यूट्यूब चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वहां से हो जाएगा नहीं तो लॉगरी डॉट इन पर जो आपको कंपाइलेशंस मिल रहे हैं जहाँ पे सेवन टू एट आवर्स में जस्ट सेवन टू एट आवर्स में अगर आप हर रोज क्लास लगाते हो तो 35, 36 आवर्स आपके लगते हैं ठीक है ना बट यहाँ पर 7 टू 8 आवर्स की आप क्लास लगाओगे जिसमें आपको समझ भी आएगा आपके नोट्स भी बनेंगे आपकी बहुत बहुत लर्निंग भी हो जाएगी तो बहुत टाइम सेविंग रहता है जो पेड लेक्चर्स हैं वो आप ले सकते हैं अगर टाइम है तो एम भी आप टेस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं नहीं तो जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर से करंट अफेयर्स जरूर प्रैक्टिस करें और जाने की वे यू स्टैंड और कहाँ पर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है ठीक है तो यहाँ पर आपको यस ये वाली बुक में से आप जी के जो है वो कर सकते हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप ये वाली बुक के लिए जा सकते हैं बट अगर आपके पास वन टू टू ईयर्स है तो आप कंप्लीट थ्योरी कर सकते हैं ल्यूसेंस की बुक में से ठीक है बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पहले ये कवर करनी है फिर ये कवर करनी है और अगर टाइम है तो फिर इस पर जाना है उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं मैं ट्राई करूँगी कि इसके कुछ पी जो है मॉक टेस्ट के साथ ही शेयर कर दूं ताकि आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकें राइट तो 20 मिनट्स का आपका 10 मार्क्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है ए आई ए टी में अगर आप इस इस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं ठीक है ना आपको शेड्यूल चाहिए इस एग्ज़ाम का कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो कॉमेंड डाउन बिलो वैसे प्लेलिस्ट में सिलेबस और शेड्यूल मोस्टली होता है तो चेकआउट कर सकते हैं मॉक टेस्ट अगर आपको खरीदना है इफ़ यू वॉन्ट द कूपन कोड देन कॉमेंड डाउन बिलो आपको मैं कूपन कोड दूंगी और एक बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है जहाँ पर ऐसे राइटिंग की बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है बिकॉज ऐसे राइटिंग में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है या आपको जानना है कैसे लिखें क्या लिखें क्यों लिखें देन ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको लॉगरी से करनी चाहिए बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट मेकिंग स्किल्स मैं आपको दे सकती हूं वो शायद कोई नहीं दे सकता तो मॉक yes, टेस्ट जरूर साइन uh, अप करें मॉक टेस्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट एन ऑफर दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लेलिस्ट में सिलेबस जरूर चेक करना वहां पर डिटेल में बात करी हुई कि हर टॉपिक की कैसे प्रेपरेशन करनी है यहाँ पर क्योंकि बुक्स के बारे में बात करी नहीं थी तो ज्यादा मैंने बुक्स वाली साइड पर ध्यान दिया है वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्या चीज कैसे क्यों करनी है तो वो जरूर देखें एंड अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप ऐसे राइटिंग के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा